India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। रेड्डी ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और अपूर्ण विश्वास है कि मैं समझता हूं कि 29 अगस्त की कुछ प्रेस रिपोर्ट्स में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों से ये आभास हुआ है कि मैं न्यायालय के न्यायिक विवेक पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन ये दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। और रेड्डी ने कहा है कि मैं प्रेस रिपोर्ट्स में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसे रिपोर्ट्स में मेरे नाम से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर कर दिया गया है न्यायपालिका और इसकी स्वतंत्रता के प्रति मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च आदर है। भारत के संविधान और उसके लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखने वालों के रूप में मैं न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान देता हूँ और देता रहूंगा। तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने बुधवार को कहा था कि बीजेपी और बीआरएस में लोकसभा चुनाव में हुई डील के कारण के कविता को 5 महीने में ही बेल मिल गई और मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिल गई, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही बंद है। रेवन्ना ने कहा था कि ये एक फैक्ट है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए काम किया और ऐसी भी चर्चा है कि के कविता को बीआरएस और बीजेपी के बीच डील के कारण जमानत मिली है। ऐसा बयान पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई है और रेवंत को फटकार लगाई। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के बयान लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कर सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या हम राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करने के बाद आदेश देते हैं। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा है कि क्या आपने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो कहा उसे पढ़िए, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये किस तरह का बयान है। इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है, क्या ये ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है। बेंच ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कोर्ट को क्यों घसीटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाना राजनीतिक दलों का मौलिक कर्तव्य है। कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। केरल राज्य ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से वित्तीय उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अपने मूल मुकदमे में आपको बता दें कि संदर्भ की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन पर विचार करने का अनुरोध किया। केरल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया। ये कहा कि केरल की वित्तीय संरचना के बारे में मूल मुकदमा है और अदालत ने कहा कि हम सीबी को संदर्भित करेंगे। रजिस्ट्रार ने कहा कि वह ईमेल नहीं भेजेंगे क्योंकि ये मूल मुकदमे के मामले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माय लॉर्ड बस इसे देखें। इस पर ध्यान देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले को जल्द ही सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। सीजीआई ने कहा है कि मैं इसे सूचीबद्ध करूंगा। 1 अप्रैल को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 145 स्कीम के अनुसार राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं को चुनौती देने वाले केंद्र सरकार के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर मुकदमे में 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। हालांकि पीठ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य द्वारा अतिरिक्त उधारी की अंतरिम मांग पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। विशेष रूप से बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित मुख्य प्रश्न ए संविधान के अनुच्छेद 131 में निहित निम्नलिखित अभिव्यक्ति का
सही अर्थ और व्याख्या क्या है, बी क्या संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य को केंद्र सरकार और या अन्य स्रोतों से उधार लेने का प्रवर्तनीय अधिकार देता है, यदि हाँ तो संघ सरकार द्वारा इस तरह के अधिकार को किस सीमा तक विनियमित किया जा सकता है, सी क्या राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार लेना और पब्लिक अकाउंट से उत्पन्न होने वाली देनदारियों को संविधान के अनुच्छेद 293 उपधारा 3 के तहत इसके दायरे में शामिल किया जा सकता है, डी राजकोषीय नीति के संबंध में इस न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विचार का दायरा और सीमा क्या है जो कथित रूप से संविधान के अनुच्छेद 293 के उद्देश्य और भावना के साथ संघर्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ये नहीं माना जा सकता विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास ससुर को सौंपे जाते हैं। वे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि विवाह के संबंध में महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी दहेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसा दहेज हस्तांतरित होने तक महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए और हस्तांतरित न करने पर कारावास और या जुर्माना हो सकता है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ ने तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा उसके पूर्व ससुराल वालों से उसके स्त्री धन विवाह के समय दिए गए उपहार और गहने की वसूली की मांग करते हुए दर्ज की गई FIR खारिज करते हुए टिप्पणी की कि FIR IPC की धारा 406 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के बयान के अलावा इस दावे को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अपीलकर्ताओं के पास स्त्री धन था। बाबली रामकृष्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम आपको बता दें उन्होंने कहा कि आम प्रथा यह है कि दुल्हन स्त्री धन की वस्तुएं अपने ससुराल ले जाती है। कोर्ट ने बताया कि बेटी और उसके पूर्व पति के बीच अलगाव समझौते ने तलाक के समय व्यक्तिगत सामान के बंटवारे सहित सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से हल कर दिया था और समझौते में एक खंड शामिल था जो दोनों पक्षों को किसी भी आगे के दावे से मुक्त करता था और इस प्रकार दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा है कि IPC की धारा 406 के तहत कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि स्त्री धन और दहेज में आखिर क्या कानूनी फर्क है। स्त्री धन और दहेज के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के जजमेंट में इन डेफिनेशंस पे शार्पली फोकस किया है। स्त्री धन में वो सब गिफ्ट्स शामिल होते हैं जो एक औरत को उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड की फैमिली से शादी के दौरान दिए जाते हैं। ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जिसे वो कैसे भी मैनेज, यूज या डिस्पोज कर सकती है, जो कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कहा गया है, जहां की दहेज एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें गिफ्ट्स, कैश या प्रॉपर्टी ब्राइड की फैमिली से ग्रूम की फैमिली को शादी के पहले या शादी के दौरान दिया जाता है। डाउरी को सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर रेगुलेट किया गया है। क्रूशियल डिफरेंस ये है कि स्त्री धन लीगली वुमेन की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जबकि दहेज अक्सर मिसयूज हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन सकता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इस मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट मुलाकालर मलेश्वरा राव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर ने रीइन्फोर्स किया कि स्त्री धन एक्सक्लूसिवली एक औरत की प्रॉपर्टी है और बिना उसकी परमिशन के कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग हर फादर। ये डिस्टिंक्शन इंश्योर करता है कि स्त्री धन लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है, जो वुमेन्स की राइट को रीइन्फोर्स करता है और डॉरी प्रैक्टिसेस की मिसयूज को रोकता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। वही
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन के लिए जाने का निर्देश दिया है। उमर ने तलाक की याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि पायल के साथ उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। वे वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं। उनके दो बेटे हैं। उमर ने शोध प्रबंध और क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को तलाक की उनकी याचिका खारिज कर दी और क्योंकि वे ये साबित नहीं कर पाए कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, उमर ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2023 में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा था। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पक्षकार आपस में समझौता कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर में संयुक्त रूप से उपस्थित हो सकते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उमर अब्दुल्ला के लिए पेश हुए और कहा कि पक्षकार 15 वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं। पिछली बार न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर नोटिस जारी किया था और पायल अब्दुल्ला से जवाब मांगा था। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पायल अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए और न्यायालय से कहा है कि मीडिएशन कम से कम एक बार अवश्य आजमाई जानी चाहिए। सिब्बल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह मीडिएशन का सहारा ले सकते हैं लेकिन ये समाधान के लिए है, मेल मिलाप के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए यह आवश्यक नहीं होगा क्योंकि विवाह का टूटना अपूर्णीय है, लेकिन फिर भी वह मीडिएशन के लिए सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिजनोई का इंटरव्यू लेने वाला एबीपी न्यूज के पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी भारतीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा प्रबोध कुमार आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी को दिए गए निर्देशों के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटरव्यू से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया जिसे सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जांच की जा सके। पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टीवी इंटरव्यू की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। हाईकोर्ट ने पहले पाया कि यूट्यूब पर इंटरव्यू को 12 मिलियन बार देखा गया और लक्षित हत्याओं और आपराधिक गतिविधियों को गलत तरीके से उचित ठहराया गया। सीजीआई ने एबीपी न्यूज नेटवर्क और पत्रकार जगविंदर पटियाला द्वारा आपको बता दें कि दायर रिट याचिका और विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्रकार का उद्देश्य अपराधियों को बेनकाब करना था लेकिन जेल परिसर के भीतर इंटरव्यू आयोजित करना जेल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। सीजीआई ने कहा कि निश्चित स्तर पर शायद आपके मुवक्किल ने इंटरव्यू की मांग करके जेल के कुछ नियमों का उल्लंघन किया हो, लेकिन ये तथ्य कि जेल के भीतर ऐसा हो सकता है ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि इंटरव्यू में संदांध को उजागर करने में मदद की और उन्होंने तर्क दिया कि पत्रकार ने खुद पत्रकारिता के हिस्से के रूप में एक स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे बिश्नोई कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बरार के संपर्क में था। ब्लैक बक केस के मद्देनजर सलमान खान के खिलाफ हमले की साजिश रच रहा था। सीजीआई ने अपने आदेश में कहा कि दूसरा याचिकाकर्ता एसआईटी जांच में सहयोग करेगा। हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के अगले आदेश तक उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
अमेज़न प्राइम वीडियो के तांडव के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं। जस्टिस VR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेब सीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए हैं। बता दें आपको कि अमेज़न प्राइम वीडियो के तांडव के निर्माताओं द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 6 शहरों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं। जस्टिस VR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्य को पक्षकार बनाने की अनुमति दी, जहां वेब सीरीज से संबंधित मामले लंबित बताए गए। उत्तर प्रदेश की एडवोकेट रुचिरा गोयल ने कहा है कि जो मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे या उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किए गए थे, वे बंद हो गए क्योंकि अधिकारियों द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी FIR में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में 3 FIR थी, हमने तीनों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि अप्रैल 2024 में संबंधित FIR में जांच चल रही थी, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट रुचिरा गोयल ने कहा है कि जो मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे या उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किए गए थे, वे बंद हो गए हैं क्योंकि अधिकारियों द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी FIR में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में 3 FIR थी, हमने तीनों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि अप्रैल 2024 में संबंधित FIR में जांच चल रही थी, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के जोनल कमेटी और स्थायी कमेटी के चुनावों को टालने की मांग वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा है कि इस म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के नोटिस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। याचिका आम आदमी पार्टी के 4 पार्षदों तिलोत्तमा चौधरी, आशु ठाकुर, रमेश चंद्र और प्रेम चौहान ने दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने NCD बोर्ड चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। साथ ही कहा कि कोर्ट ने कहा है कि हमारा काम तय करना नहीं है, चुनाव कब होगा ये काम कॉर्पोरेशन कमिश्नर का है। साथ ही चुनाव में भाग लेने के इच्छुक हर उम्मीदवार की स्थितियों को देखते हुए चुनाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। वहीं याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा है कि नॉमिनेशन और चुनाव के बीच कम से कम 7 दिन का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए दिल्ली से बाहर हूँ और आज ही नॉमिनेशन के आखिरी दिन है। और इन सब स्थितियों को देखते हुए कोर्ट से चुनाव के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 2-3 दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अदनान यूसुफ ने कहा है कि 18 महीने की देरी के बाद दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव का संबंधी नोटिफिकेशन 28 अगस्त को जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव 4 सितंबर को होना है। इन चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज यानी 30 अगस्त है। नामांकन की तारीख पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी के 4 पार्षदों ने याचिका दायर की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष OMA सलाम द्वारा अपनी बेटी की मौत के आधार पर राहत मांगने वाली अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि सलाम एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसकी रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि उसे जमानत पर रिहा करने से गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है, मौजूदा मामला अंतरिम जमानत के लिए उचित नहीं है। इससे पहले निचली अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। सलाम पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी बेटी की मौत के बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सलाम के वकील ने कहा कि वह अपने शोकाकुल परिवार के साथ रहना चाहता है और सलाम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर
कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया गया कि पीएफआई, उसके पदाधिकारी और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची और इस उद्देश्य के लिए अपने कैडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे। उन पर अपने सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का भी आरोप लगाया। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की सजा के निलंबन के लिए याचिका खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के फैसले को पढ़ने और निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को सरसरी तौर पर देखने के बाद जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने अपने 50 पन्नों के आदेश में कहा कि हमें इस स्तर पर दोष सिद्धि के आदेश में कोई भी स्पष्ट कमी नहीं दिखी और ये नहीं कहा जा सकता कि आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है और इसमें कुछ स्पष्ट गड़बड़ी है। दोष सिद्धि के मामले में हमेशा कुछ तर्कपूर्ण बिंदु होते हैं, लेकिन ये अपने आप में ये मानने का आधार नहीं हो सकता कि सजा के निलंबन की प्रार्थना पर निर्णय लेने के चरण में दोष सिद्धि कायम नहीं रह सकती है। मामले में सत्र न्यायालय के दोष सिद्धि के आदेश को चुनौती देने वाली आसाराम बापू की अपील में ये आवेदन दायर किया गया था कि पीठ ने कहा था कि आवेदक द्वारा दोष सिद्धि आदेश को चुनौती देने वाले आधारों पर विशेष रूप से आवेदक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किए जाने, एफआईआर दर्ज करने में देरी और भक्तों की आपसी प्रतिद्वंदिता तथा साजिश जैसे आदि अन्य आधारों पर आवेदक आसाराम बापू की ओर से दायर अपील की अंतिम सुनवाई के समय विचार किया जाना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वे आवेदक के वकील की दलीलों से सहमत नहीं हैं क्योंकि अंततः अंतिम सुनवाई के समय साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होगा। न्यायालय ने कहा है कि इस स्तर पर यदि वह सभी आधारों पर चर्चा करता है तो इससे दोनों पक्षों में से किसी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, इसीलिए वर्तमान मामले में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा है कि उसने गुण दोष के आधार पर चर्चा और जाँच न करने तक ही खुद को सीमित रखा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।